सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी कहानियां दी अनटोल्ड पर। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य और सच्ची दास्तान पर आधारित है जिसे सुनकर आप सभी सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई ये दुनिया ऐसे ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी हुई है जिसे हम जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उन रहस्यों के भंवर में और उलझते चले जाएंगे। आप में से कई लोग असम की कई सारी कहानियां सुने होंगे, जैसे काले जादू का गढ़ मायोंग गांव, जो तंत्र मंत्र की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि असम में एक ऐसी जगह है जहां पक्षियां भी आत्महत्या करती है? सुनकर आपको बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असम के खूबसूरत डिमोरी हिल्स में बसा जतिंगा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हरी भरी पहाड़ियां, घने जंगल और बारह मासी बहती नदियां इस गांव को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। लेकिन इस गांव का एक और पहलू है जिसने इसे दुनिया भर में एक अजीब से डर और रहस्य का सवाल खड़ा करके रखा है। जतिंगा का पक्षी नरसंहार, यानी कि आत्महत्या। हर साल अगस्त और सितंबर के महीनों में, खासकर अमावस्या की रातों में, सैकड़ों की संख्या में पक्षी शाम ढलते ही अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वे बेचैनी से इधर उधर उड़ते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत हो रहे हो। फिर अचानक वो पेड़ों से टकराते हैं और जमीन पर गिरकर मौत की आगोश में चले जाते हैं। यह घटना सदियों से रहस्य का विषय बनी हुई है। वैज्ञानिक लोग इस घटना को कई तरह के कारण बताते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी होने के कारण ये पक्षी अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं, जिसके चलते ये आपस में ही टकरा जाते हैं, या कम रोशनी में खाने की तलाश में ये पक्षी आपस में ही या पेड़ों से टकरा जाते हैं, जिसके चलते अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यताएं कुछ और ही कहती हैं। वे इस घटना को आत्माओं का प्रकोप मानते हैं। यह कहानी अजय और उनके दोस्तों विक्रम और रोहित की है। ये तीनों स्कूल के दिनों से ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि कॉलेज के बाद सभी अलग अलग फील्ड में अपना कैरियर अजमाने निकल गए थे, लेकिन हर पर्व त्यौहार और छुट्टियों में ये तीनों एक दूसरे से जरूर मिला करते थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बारिश के दिनों में कहीं जाने का प्लान बनाया। अजय बहुत ही कम समय में इंटर्नशिप करने के बाद ही एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन गए थे, और वो अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे जगह जाना चाहते थे जिससे कि फोटोग्राफी जगत में उनका नाम पूरे दुनिया में मशहूर हो जाए। और इधर रोहित भी एक पत्रिका में रहस्य और रोमांच की खोजी घटनाओं के राइटर थे। स्थानीय लोगों की मान्यताओं की तह तक जाने में दिलचस्पी रख के वो अलग अलग जगह जाकर खबरों को इकट्ठा करके और अपना काम बखूबी करना जानते थे। बस फिर क्या था, वो दोनों एक ऐसे जगह की तलाश में थे जहाँ घूमना फिरना भी हो जाए और उनका काम भी बन जाए। एक दिन ऐसे ही शाम को तीनों दोस्त आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें कर रहे थे। अजय और रोहित दोनों ने अपनी बातें रखी कि तभी विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, भाई लोग, मेरा एक जगह जाने का बड़ा ही मन था। बहुत दिनों से
उस जगह के बारे में जाने का सोच रहा था और वो जगह तुम दोनों के लिए ही काफी फायदेमंद रहेगी। अजय विक्रम की बात सुनकर काफी उत्साहित भरे आवाज में बोला, अरे भाई क्या बात है, कौन सा जगह है भाई जो हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। विक्रम अजय की बातें सुनते ही थोड़ी धीमी आवाज में बोला, भाई जगह तो सही है लेकिन उस गांव के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। ये बात सुनकर रोहित बीच में ही बोल पड़ा, अरे भाई ऐसी जगह ही तो जाना मैं पसंद करता हूँ और मेरा काम भी तो यही है, चल अब बताएगा भी। उन दोनों की बातें सुनकर विक्रम कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसके बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, तुम लोगों ने असम के जतिंगा के बारे में सुना है? जतिंगा का नाम सुनते ही रोहित एकदम उत्साह दिखाते हुए बोल पड़ा, अरे हाँ भाई, अरे बहुत सुना है उस जगह के बारे में, वही ना जहाँ लोग कहते हैं कि भूत प्रेतों के साथ साथ कई सारे रहस्य भरे पड़े हैं। विक्रम हामी भरते हुए बोला, हाँ भाई पिछले महीने ही मैंने उस जगह के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री से सुना, तो तभी से उस जगह के बारे में सोच रहा हूँ। और रोहित तुम्हारे लिए कहानी भी मिल जाएगी और अजय के लिए उस घटना का फोटो अगर मिल जाए तो ये तो रातों रात स्टार बन सकता है। पर वहाँ की अजीब व गरीब रहस्य के बारे में सोचकर थोड़ा डर सा भी लग रहा था, इसलिए अभी तक उसके बारे में तुम दोनों को नहीं बताया था। अजय अब तक चुप था, विक्रम की बात खत्म होने से पहले ही वो बोल पड़ा, भाई अब कोई प्लान नहीं होगा, सीधा लंबडिंग जंक्शन के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ से जतिंगा जाने के लिए कुछ व्यवस्था कर लिया जाएगा। सबके राजी होते ही तीनों अपने अपने सामान की पैकिंग करके तत्काल टिकट भी कर लिया और उसके अगले दिन ही वो तीनों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। बारिश का मौसम था और जैसे ही ट्रेन दिल्ली को क्रॉस किया था घनघोर बारिश शुरू हो गई थी। दो दिन का सफर था और मौसम काफी सुहावना था, गर्मी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने स्लीपर क्लास में ही टिकट करवाया था। बारिश के बूंदे ट्रेन की छतों पर गिरकर एक अलग ही धुन बजा रही थी। ऐसे में तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। एक तो बारिश का मौसम और ट्रेन का सफर, और ऐसे में साथ में अगर दोस्त हो तो बात ही कुछ अलग होती है। सुबह का ट्रेन था तो बाराबंकी पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। बाराबंकी स्टेशन जाते से ही विक्रम स्टेशन से कुछ खाने पीने का सामान लिया और अपने बोगी में आ गया था। उसके साथ ही एक और इंसान लखनऊ से ही चढ़ा था जो दिखने में असमी से लग रहा था। बगल वाली सीट पर ही उस इंसान का भी रिजर्वेशन था। खैर ट्रेन अपने टाइम से खुल गई थी और तीनों दोस्त नाश्ता करते करते इधर उधर की बातें करने लगे और बातों ही बातों में जतिंगा का भी जिक्र हुआ। जैसे ही जतिंगा शब्द का जिक्र हुआ उस इंसान का जो उनके बगल में बैठा हुआ था कान खड़े हो गए और वो तीनों की तरफ आश्चर्य से देखने लगा। उसके ऐसे बर्ताव से रोहित हंसते हुए उससे बोला, क्या हुआ भाई साहब, कोई भूत देख लिया क्या हम लोगों में? रोहित की ऐसी बात पर वो इंसान थोड़ा सा घबरा गया और सकुचाती हुई आवाज में बोला, साहब जी आप लोग जतिंगा का नाम क्यों ले रहे हैं? अजय उसकी बात सुनकर बोला, अरे हम सभी वहीं पर जा रहे हैं फोटोग्राफी और रिसर्च के लिए। लेकिन जैसे ही उसने ये बात बोला तो उस इंसान के पसीने छूटने लगे। वो काफी सहमी और दबी हुई आवाज में बोला, साहब लोग भले आप लोग उस गांव में घूमने चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के समय भूल कर भी उस गांव के आसपास मत भटकना, वो जगह श्रापित है
अगर आप लोग उस श्राप और समय के भंवर में फंस गए तो फिर शायद ही आप लोग वहां से बचकर वापस आ पाइएगा। उस इंसान की बात सुनकर अजय और उसके बाकी के दोनों दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगे और चिढ़ाते हुए अंदाज में रोहित बोल पड़ा, देखिए भाई साहब, ये जतिंगा फतिंगा का जो भी रहस्य है ना, वो सिर्फ अफवाह है। इस दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के चलते ही होती हैं, कोई भूत ये सब नहीं होता। अजय भी उसकी बातों में हामी भरते हुए बोला, भाई मानते हैं वहां बहुत सारी रहस्यमयी बातें होगी, लेकिन ये भूत प्रेतों की बातें कुछ हजम नहीं हुई। उन सब की ऐसी बातों से वो इंसान अपने आप को थोड़ा बेइज्जत महसूस किया और फिर अपने बर्थ पर चुपचाप लेट गया। इधर ये सब अब भी उसी बातों में हंसी मजाक करते हुए सफर का मजा लेने लगे। देखते ही देखते रात हो चली और सभी खाना ये सब खाकर अपने अपने बर्थ पर सोने चले गए। लेकिन विक्रम ने एक चीज नोटिस किया, वो इंसान अब भी उन तीनों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, मतलब कि उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हो, लेकिन डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। खैर, विक्रम उस बात को नजरअंदाज करके सो गया। देखते ही देखते रात का सफर भी खत्म हो गया और अगली सुबह ट्रेन में चाय बेचने वालों इन सबसे सबकी नींद खुली। सबने चाय पिया और फ्रेश होकर इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ ही देर में वो ट्रेन खुल गई। यात्रा करते करते पहला दिन भी जैसे तैसे करके कट गया और वो सभी शाम के 5 बजे तक न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक पहुंच गए थे। अभी वो सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो इंसान जो सामने वाले बर्थ पर बैठा हुआ था वो अपना सामान पैक करने लगा और कुछ ही देर में सारा सामान पैक करके उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात साहब जी, आप लोग शहरी लोग हैं, इन सभी बातों का मजाक ही बनाएंगे। मैं बस अगली स्टेशन जलपाईगुड़ी रोड उतर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आप सभी को एक बात बता रहा, आप लोग वहां जाए बिना मानेंगे तो नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखिएगा, रात के समय अगर गलती से भी निकल गए तो जिधर से भी चिड़ियों की चिल्लाहट की आवाज सुनाई दे भूल कर भी उधर मत जाइएगा। इतना बोलकर वो चुप हो गया और अपना सामान लेकर बर्थ से उतर अपने स्टेशन के आने के इंतजार करने लगा। वो तीनों चुपचाप बस एक टक उसकी तरफ देखते रहे। कुछ ही देर में जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन आ गया और वो इंसान ट्रेन से नीचे उतर गया। उन तीनों दोस्तों की निगाह तब तक उस इंसान पर बनी रही जब तक कि वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन अपनी आगे के गंतव्य के लिए बढ़ गई। विक्रम थोड़ा डरते हुए अपने दोस्तों से बोला, भाई लोग, वहां जाने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे उस इंसान की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई लग रही है। मैंने जब आर्टिकल के बारे में पढ़ा था तो उस आर्टिकल में भी बहुत सी अजीब और रहस्यमयी बातें लिखी हुई थी। विक्रम की बात सुनकर अजय उसके खिल्ली उड़ाते हुए बोला, भाई अब तू भी इन सब बेतुकी की बातों में विश्वास करने लगा, अरे इतना डरता क्यों है, भरम ही है ये सब और कुछ नहीं। उस वक्त विक्रम शांत रहा और वो सभी फिर से ट्रेन से आसाम की खूबसूरती को निहारते हुए आगे बढ़ने लगे। बारिश के दिनों में आसाम की खूबसूरती में और 4 चंद लग जाता है। अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा था जिसमें वाकई हरे भरे पेड़ पौधे असम की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अगले दिन सुबह के 6 बजे के आसपास लंबड़िंग स्टेशन पहुंचने का समय था। यात्रा करते करते काफी ज्यादा बोर होने लगा था, इसलिए वो तीनों रात के 10 बजे तक लूडो खेले और फिर खाना खाकर सो गए। लगभग सुबह 6 बजे के आसपास वो सभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद
वो तीनों एक होटल में खाना ये सब खाकर जतिंगा जाने के लिए होटल वाले से ही पूछे। पूछने पर पता चला कि डायरेक्ट ट्रेन तो काफ़ी लेट से है, टैक्सी करके वहां तक जाया जा सकता है। लमडिंग से जतिंगा की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है, तो टैक्सी का किराया ज़्यादा ही लगना था। खैर, अब कर भी क्या सकते थे, एक तो सफ़र बहुत लंबा हो चुका था जिसके चलते थकान भी ज़्यादा हो चुकी थी, और दूसरी बात, कैसे भी करके शाम होने तक उन तीनों को जतिंगा पहुंचना ही था। इसलिए उन्होंने एक टैक्सी किया और निकल पड़े जतिंगा की तरफ। लगभग 3 घंटे में वो तीनों जतिंगा पहुंच चुके थे। वहां जाते से ही तीनों काफी उत्साह से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगे। वाकई वहां की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी। तीनों आगे बढ़ते हुए अपने रहने का जगह ढूंढने लगे, लेकिन दिक्कत इस बात की थी, वहाँ रहने के लिए कोई होटल ये सब की सुविधा नहीं थी। अब यहाँ से उनके लिए समस्या बढ़ने वाली थी। आसपास एकाध छोटे दुकानों से पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के मुखिया ही कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। रास्ता पूछते पूछते वो तीनों मुखिया के घर पहुँचे। गाँव के मुखिया एक बूढ़े और सख्त आदमी थे। जब वो तीनों उनसे मिले और मुखिया ने उनके आने का कारण पूछा तो अजय बोल पड़ा, जी जतिंगा में फोटोशूट और कवर अप करने आए हैं। मुखिया उसकी बात सुनकर काफ़ी गंभीर भाव से बोले, तुम तीनों भले लड़के जान पड़ते हो, मैं तुम्हारे ठहरने का व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पक्षियों की आत्मघात सदियों से चलता आ रहा और यह घटना किसी बुरे शगुन का संकेत है। भले तुम लोग शाम के समय फोटो शूट कर सकते हो, लेकिन रात के समय जंगल में अकेले बिल्कुल भी मत निकलना, और खासकर जब पक्षियों का संहार हो तब भूलकर भी उस तरफ मत जाना। तुम लोग दूर से ही उस नज़ारे को देख सकते हो, लेकिन मैं एक बार फिर चेतावनी देकर बोल रहा, उसके आसपास बिल्कुल भी मत भटकना। मुखिया की बातें सुनकर तीनों एकदम हैरान थे कि आखिर ये मुखिया इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ है। अरे, आजकल के ज़माने में भी ये भूत प्रेत नाम की चीज़ भी होती है क्या? उन तीनों ने मुखिया की बातों में हामी तो भर दिया था, क्योंकि उन्हें तो बस अपना काम निकलना था। जैसे भी करके एक दो दिन के लिए ठहरने की व्यवस्था हो जाए। वो तीनों अभी एक दूसरे का मुंह ताक ही रहे थे कि तभी उस मुखिया ने एक लड़के को आवाज दिया, ओ धामू, इन लोगों की ठहरने की व्यवस्था पुराने वाले मकान में करवा दो। अंदर से एक लड़के की आवाज आई, आया साहब जी। और कुछ ही देर में एक 16 साल का लड़का उन सभी के सामने खड़ा था। उसके आते से ही मुखिया ने कहा, ये धामू है, आप लोगों के रहने का इंतजाम कर देगा। और इतना कहकर मुखिया जी अपने कमरे के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद वो लड़का हल्की मुस्कान लेते हुए धीमी आवाज में बोला, जी चलिए साहब जी, आप लोग जल्दी मेरे पीछे पीछे आइए। क्या है ना, आज अमावस्या है, तो शाम होने से पहले ही मैं आप लोगों के रहने और खाने पीने का बंदोबस्त करा दूंगा। शाम के बाद आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। उसकी बात सुनकर अजय अपना सामान उठाते हुए बोला, क्यों भाई, शाम में कहीं और जा रहे हो क्या? अजय की बात सुनकर धामू बोला, साहब जी, आपको नहीं पता क्या, आज के दिन ही पक्षियां आत्महत्या करेंगी। उसकी बात सुनकर अजय और रोहित की हंसी छूट गई, लेकिन विक्रम के चेहरे पे डर के लकीरें उभरने लगी। वो घबराते हुए अपना सामान उठाया और अपने दोनों दोस्तों से बोला, भाई लोग, बहस करने से अच्छा है जल्दी से सब बंदोबस्त कर लेते हैं। और वो तीनों उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगे। मुखिया जी के घर से कुछ ही दूरी पर उनका पुराना मकान था। मकान काफी पुराना था, लेकिन रहने के लिए काफ़ी अच्छी हालत में था।
वो लड़का उन तीनों दोस्तों को एक कमरे में लेकर गया और बोला, आप लोग यहीं पर बैठिए, तब तक मैं दूसरे कमरे को साफ कर देता हूं। इतना बोलकर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया और इधर ये तीनों आपस में ही बातें करने लगे। कुछ ही देर में थामू दूसरे कमरे को ठीक करके वापस उनके पास आया और बोला, साहब लोग आप सभी कमरे में जाकर फ्रेश होकर आराम कीजिए, मैं जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं। इतना बोलकर वो बाजार की तरफ निकल गया और तीनों दोस्त फ्रेश होकर आराम करने लगे। यात्रा काफी मुश्किल भरा था, इसलिए थकान काफी ज्यादा हो गई थी। बिस्तर पर लेटते से ही उन तीनों को नींद आ गई। उनकी नींद धामू की आवाज से खुली तो देखा शाम होने को आई थी। धामू उन सब के लिए खाने का इंतजाम करके आया था और आते से ही वो हड़बड़ाते हुए बोला, साहब लोग आप सभी खाना खा लीजिए, अब मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। अगर अभी लेट किया तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। और जाते जाते उसने एक बात बहुत गंभीर आवाज में बोल कर गया, साहब जी आप लोग मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, जैसे ही पक्षियों का आत्मदाह हो भूल कर भी उस तरफ मत जाइएगा। और इतना बोलकर वो बड़ी तेजी से वहां से निकल गया। अजय और उसके बाकी के दोस्तों को अब भी मुखिया जी और उस लड़के की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये सभी इतना ज्यादा क्यों डरे हुए हैं। खैर उसके जाने के बाद ही वो सभी खाने पीने की तैयारी में जुट गए। अभी वो सभी खाना ये सब खाकर उठे ही थे कि तभी बाहर से कुछ लोगों की भगदड़ की आवाज आई। बिना हाथ धोए ही वो सभी कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चाय के बगान के कुछ मजदूर बड़े ही तेजी से गांव के अंदर जा रहे थे और आपस में ही कुछ हड़बड़ाते हुए बातें भी कर रहे थे। उन सबके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिख रहा था। अजय और उसके दोस्तों को लगा कि शायद गांव में कुछ लफड़ा ये सब हुआ होगा, इसलिए वो सभी इतनी तेजी से और घबराए हुए जा रहे हैं। तभी रोहित उन्हीं में से एक इंसान को रोकते हुए पूछा, क्या हुआ भैया, गांव में कुछ हुआ है क्या? वो इंसान उन तीनों को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, आप लोग यहाँ के निवासी नहीं हो, क्या करने आए हो? उसकी बात सुनकर अजय आगे बढ़ते हुए बोला, जी यहाँ पर पक्षियों का आत्मदाह होता है ना, उसी के बारे में जांच पड़ताल करने आए हैं। अजय का इतना कहना था कि वो इंसान हड़बड़ाते हुए पीछे हाथ का इशारा करते हुए बोला, वो देखो बादल आ रहे हैं, बिजली की कड़कने की आवाजें सुनाई दे रही है आपको, कमरे के अंदर से बाहर मत निकलना आप सब, बस कुछ ही पलों में वो शैतानी कांड होने वाली है। और इतना कहकर वो दौड़ते हुए अपने ग्रुप में शामिल हो गया। अजय और उसके दोस्त एकदम आश्चर्यचकित होकर उन्हें जाते हुए देखते रह गए। अगले 5 मिनट में वो होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कभी कल्पना नहीं किया था। पल भर में चारों तरफ काले बादल छाने लगे और दूर दूर से अजीब तरह से पक्षियों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे मानो पक्षी बहुत ही ज्यादा डरे हुए हों। ये सब नजारा देखकर विक्रम डरते हुए बोला, भाई शायद गांव वाले और मुखिया जी सब सही बोल रहे हैं, हमें कमरे के अंदर से ही वो सब नजारा देखना चाहिए, क्योंकि कुछ तो अजीब जरूर है, वरना खामखा सारे के सारे लोग इतना ज़्यादा बातों को नहीं बनाते। और मैंने बताया था ना कि इंटरनेट पर भी वही सारी बातें बताई गई हैं। विक्रम की बात सुनकर अजय चिढ़ते हुए बोला, देख भाई यहाँ पर आने के लिए तेरा ही सुझाव था, और क्या बोला था तूने कि मैं फोटो भी ले सकता हूँ आराम से और रोहित आर्टिकल भी लिख सकता है। अजय अभी अपनी बात पूरी करता कि तभी विक्रम फिर से डरते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, भाई मैंने ही कहा था
लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट पर जितनी भी बातें बताई गई थी वो सब के सब यहाँ सच जैसा लगेगा। मेरी मानो तो कमरे के अंदर चलते हैं। अब की बार रोहित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, तो फिर यहाँ आने का मतलब ही क्या बनता है? इतना दूर थक हार कर यात्रा करके सिर्फ कमरे के अंदर रहने आए हैं? अजय, तुम अपना कैमरा संभालो, मैं रिकॉर्डर लेकर आता हूँ। और इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला गया। अजय भी कैमरा लाकर बाहर जाने की पूरी तैयारी में खड़ा हो गया था। अब विक्रम अकेला करता तो क्या करता? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अकेले रहने में भी उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए मजबूरी में वो भी उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों दोस्त धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे, जिधर से वो सभी मजदूर आ रहे थे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक पेड़ पर लगा हुआ मचान दिखा। अजय खुश होते हुए बोला, अरे भाई वो देखो, वो जगह सबसे अच्छी है, वहां से आसानी से फोटोज ये सब लिया जा सकता है, चलो उधर ही चलते हैं। और इतना कहकर वो उस मचान की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे बाकी के दोनों भी दोस्त आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो तीनों मचान पर चढ़ गए थे और पक्षी नरसंहार को अपने कैमरे में कैद करने का इंतजार करने लगे। रोहित अपने रिकॉर्डर को स्टार्ट करके अपने आप में ही जो जो दृश्य उसके आंखों के सामने घट रहा था वो बोलना शुरू कर दिया। अभी 5 मिनट ही बीता होगा कि तभी अचानक ही उन सभी को दूर से चीख पुकार और पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दिया। वो तीनों उसी आवाज की दिशा की तरफ मुड़कर देखे तो उन्होंने देखा कि पक्षियों का एक झुंड बड़ी बेचैनी से इधर उधर उड़ रहा था। एक ही जगह पर मंडराते हुए वो सभी पक्षी चीख पुकार कर रहे थे। यह देखते ही अजय ने अपना कैमरा तेजी से फोकस किया और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। विक्रम भी अपने रिकॉर्डर में उस घटना की आंखों देखा हाल लगातार बयां करते जा रहा था। और इधर रोहित इस अजीब नज़ारे को सहरते हुए देख रहा था। अभी लगभग 5 मिनट ही बीता होगा कि तभी जहां सबसे ज्यादा काले बादल छाए हुए थे वहां पर और भी बहुत सारे पक्षी आने लगे और चीख पुकार करते हुए कुछ ही देर में सभी पक्षी एक के बाद एक पेड़ों से टकराने लगे और जमीन पर बेजान होकर गिरने लगे। कुछ कुछ पक्षी आपस में ही टकराते जा रहे थे। यह प्रक्रिया लगभग 5 मिनट तक चला और उसी 5 मिनट में लगभग सारे के सारे पक्षी आसमान से गायब हो चुके थे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था और धरती पर सिर्फ और सिर्फ मरे हुए पक्षियों की लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। अजय, विक्रम और रोहित इस भयंकर नजारे को देखकर स्तब्ध थे। हालांकि अजय ने काफी तस्वीरें खींच लिया था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी? अभी वो चारों उस मचान से उतरकर उन मरे हुए पक्षियों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें पूरे जंगल में अजीब अजीब जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पक्षियों के मारे जाने से वो सभी जानवर शोक मना रहे हों। पूरा का पूरा जंगल जानवरों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजों से गूंज उठी। अजय और विक्रम इन सभी चीजों की परवाह किए बिना ही उस तरफ बढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी रोहित उन्हें फिर से रोकते हुए बोला, भाई लोग, हो गया ना, जो हमें देखना था वो देख लिए, अब वापस गांव की तरफ चलते हैं, यहां रुकना अब ठीक नहीं लग रहा। देखो शाम भी ढल चुकी है और अब रात भी होने को आई है। लेकिन अजय और विक्रम को किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों उन सभी पक्षियों को काफी करीब से देखने के लिए बेचैन हो उठे थे। वो दोनों विक्रम की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ते गए।
पीछे पीछे विक्रम भी मजबूरी में उनके साथ साथ चलता गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले पल में उनके साथ एक ऐसी खौफनाक हादसा होने वाली है जो आने वाली पूरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना होने वाली थी। अभी वो तीनों उन पक्षियों के पास पहुंचे ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक काला साया जैसा कोई चीज हवा में लहराते हुए उनके ऊपर ही मंडराने लगी और अजीब तरह से आवाज निकालती उन तीनों की तरफ ही आने लगी। यह देखते ही उन तीनों के होश चारों खाने चित हो गए। वो खौफनाक नजारा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे पाला पड़ जाएगा। वो तीनों पूरी ताकत लगाकर गांव की तरफ ही लगे भागने। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं होने वाली थी। अभी वो सभी गांव की सड़क के पास आए ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक हाथी काफी गुस्से में जंगल की दूसरी तरफ से निकला और उनके पीछे लग गया। उस हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आम हाथियों की तुलना में काफी भयंकर थी। तीनों अपने मौत को काफी करीब से देख रहे थे कि तभी रोहित ने उस वक्त हिम्मत दिखाया और अपने दोनों दोस्तों को बोला, भाई लोग सीधा मत भागना, लहराते हुए भागो। मैंने पढ़ रखा है कि इससे हाथी को कन्फ्यूजन होता है। उसके ऐसा बोलते ही सभी लहराते हुए कभी दाईं तरफ भागते और कभी बाईं तरफ, और ऐसा करते करते वो सभी उसी पुराने मकान के पास पहुंच गए जहां उन्हें मुखिया ने ठहराया था। और वो हाथी गांव जहां से शुरू होता है वहां तक उनका पीछा किया। उसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। इधर वो तीनों कमरे में पहुंचते से ही झटके से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों पसीने से तर बतर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ एक सपना हो। उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया और जैसे तैसे करके रात बिताया। अगली सुबह जब सबकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि गांव के बहुत से लोग उसी तरफ बढ़े जा रहे थे जिधर पक्षियों ने आत्महत्या किया था। तीनों हड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकले, लेकिन अब की बार घर के बाहर निकलते ही उनकी हिम्मत आगे बढ़ने को बिल्कुल भी नहीं हुई। उनके पैर वहीं पर ठिठक कर रह गए। रात में जो घटना उनके साथ घटी थी वो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी गांव के किसी लोग या मुखिया किसी से भी बीते रात की घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ ही देर में धामू उनके पास आ गया और खाना ये सब अपने घर से ही बनवा कर लाया था। आते से ही उसने सबकी हालचाल ली। उन तीनों ने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए सब नॉर्मल ही बात की, लेकिन उनके चेहरे के डर को धामू बढ़ चुका था। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, सब ठीक है ना सब लोग, कोई बात है क्या? तभी अजय अपने अंदर के डर पर काबू पाते हुए बोला, कुछ नहीं, वो पक्षी संहार कल शाम को हमने देखा। उतने सारे पक्षियों को मरते देखा ना, इसलिए डरे हुए हैं, बाकी सब कुछ सही है। धामू उसकी बात सुनकर बड़े ही गंभीर आवाज में कहा, साहब लोग, आप लोग अब तो सच्चाई जान गए हैं ना कि ये सब सच है, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके निकल जाए अपने शहर। जंगल के नियम कानून अलग होते हैं, यहाँ पग पग पर खतरा है। ऐसी ऐसी बातें और कहानियां हैं जो आपकी सोच से भी परे होगा। उसकी बात सुनकर विक्रम डरते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। बस आज शाम तक कैसे भी करके ट्रेन ये सब देखकर निकलना है। अभी विक्रम अपनी बात पूरी करता कि तभी रोहित बीच में बोल पड़ा, अच्छा थामू, तुम कौन से रहस्यमय बात कर रहे हो और किन कहानियों की? क्या उसी कहानियों से ये सारी पक्षियों की घटनाएं होती हैं? धामू काफी धीरे और गंभीर आवाज में कहा, जी हाँ साहब जी,
इस गांव में सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर रहता था जिसने काले जादू का काफी ज्यादा अभ्यास किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जंगल में भटकती रही और ऐसा माना जाता है कि वहीं पक्षियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। सिर्फ यही कहानी प्रचलित नहीं है साहब जी, लोग यह भी कहते हैं कि पक्षी नरसंहार कोई आत्माओं का प्रकोप नहीं बल्कि यह एक प्राचीन अभिशाप का परिणाम है। पुरानी कथाओं के अनुसार सदियों पहले जतिंगा गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था। फसलें नष्ट हो गई थी और ग्रामीण भूखमरी से जूझ रहे थे। गांव के मुखिया ने उसी जादूगर से मदद मांगी थी। उस जादूगर ने एक अनुष्ठान किया और बारिश लाने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले में उसने गांव के सबसे सुंदर युवक की बलि मांगी थी। गांव वाले इस बलिदान के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो जादूगर बोला कि जब तक सबसे सुंदर युवक की बलि नहीं दी जाएगी तब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाएगा। थक हार कर एक युवक जिसका नाम सुमेश था, वो गांव का सबसे सुंदर युवक था, उसको चुना गया। सुमेश के घर वाले इस चीज के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें गांव से बाहर निकाल देने की धमकी दी गई। काफी अत्याचार किया गया था। किसी तरह युवक को बलि के लिए तैयार किया गया, लेकिन सुमेश की एक प्रेमिका थी, एक बहादुर आदिवासी लड़की। वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस जादूगर से बदला लेने की कसम खाई। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से एक विशेष जहर तैयार किया और जादूगर को धोखे से दे दिया। जादूगर जहर खाकर मर गया, लेकिन मरते समय उसने गांव पर अभिशाप लगा दिया। यही अभिशाप हर साल पक्षियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। पक्षी असल में आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि जंगल में मौजूद किसी जहरीली गैस के प्रभाव में आकर बेहोश होकर गिर जाते हैं, और ये जहर उसी जादूगर की आत्मा द्वारा फैलाया जाता है। क्योंकि पक्षी ही फसल को कीड़ों से बचाते हैं, इसलिए उसका पहला टारगेट पक्षी ही होते हैं। और उस पक्षी संहार के आसपास भी कोई भटकता है तो उस समय उसकी भी मौत पक्की है। अजय, विक्रम और रोहित थामू की बातें सुनकर एकदम अपनी जगह पर थम से गए थे। थामू उनकी तरफ देखते हुए एक बार फिर चेतावनी देते हुए बोला, साहब जी आप सभी यहां से फौरन लौट जाएं। जादूगर के मरने के बाद जंगल में जहरीले पौधों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। यह माना जाता है कि जादूगर की आत्मा ही इन पौधों को उगाती है, इस तरह गांव को दंडित करती है। बस इतना ही कहना है आप लोगों से। इतना कहकर वो खाना देकर वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद विक्रम बोला, भाई उसकी बातों में सच्चाई है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इस जंगल में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो रात के समय जहरीली गैस छोड़ते हैं। यह गैस हल्की होती है और जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही रहती है। विक्रम को लगा कि उसे एक अच्छी कहानी मिल गई है। उसने अजय और रोहित को बताया कि वह इस घटना को जतिंगा का जहर शीर्षक से प्रकाशित करेगा। इधर अजय ने भी काफी सारे फोटोज ले लिए थे और उनका काम बन गया था, इसलिए उन्होंने घर वापसी के लिए अपने अपने बैग जमाने लगे। बैग जमाने के बाद खाना ये सब खाकर वो कुछ देर आराम करने लगे कि तभी विक्रम जोर से चीख पड़ा। उसकी चिल्लाहट सुनकर रोहित और अजय दोनों उसकी तरह हड़बड़ा कर देखे तो वो अपने रिकॉर्डर के पास खड़ा होकर काफी डरा हुआ था। उसे इस तरह डरा हुआ देख अजय काफी आश्चर्यजनक नजरों से देखते हुए बोला, भाई तू इस तरह डरा हुआ क्यों है? विक्रम डरते डरते बोला, भाई कल रात को मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की थी वो अब इसमें नहीं है, सिर्फ घड़घड़ाहट की आवाजें आ रही हैं। अजय उसकी बातों में विश्वास नहीं किया और उसके हाथों से रिकॉर्डर लेकर चेक करने लगा।
लेकिन नतीजा वही रहा। अब अजय जल्दबाजी में अपने कैमरे को ऑन किया और फोटोज ढूंढने लगा। अब सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी, उसके कैमरे में जितनी भी फोटो थी सब धुंधली सी और टेढ़े मेढ़े थे। यह देखकर उसका माथा भी ठनक गया था। यह कैसे हो सकता था, क्योंकि उसने एकदम फोकस करके अच्छे से फोटोज ये सब लिया था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए खड़े रहे। फिर कुछ देर के बाद चुप्पी तोड़ते हुए रोहित बोला, भाई यहां आने का कोई मतलब ही नहीं रहा, अब क्या किया जाए। अजय उसकी बातें सुनकर बोला, एक दिन और रुकना पड़ेगा हमें, भले हम दूर से ही अच्छी तरह से फोटो और तुम आवाज रिकॉर्ड कर लेना। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विक्रम हड़बड़ाते हुए बोला, भाई नहीं, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, याद नहीं कल हमारे साथ क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर रोहित बोला, भाई तुम्हारा कहना सही है, लेकिन यार हम जिस मकसद से आए थे वो पूरा नहीं हो पाया ना, और हम लोग जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, दूर से ही उस मचान से फोटो और रिकॉर्ड कर लेंगे। किसी तरह उन दोनों ने रोहित को मनाया और तीनों शाम ढलने का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन बारिश नहीं हो रही थी और आसमान भी पूरा साफ था, जिसके चलते इंतजार करते करते शाम भी ढलने लगी थी। अब अजय से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, वो झिझकते हुए बोला, आज अगर बादल नहीं छाएंगे तो पक्षियों का संहार नहीं होगा, चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। रोहित तो तैयार हो चुका था, लेकिन विक्रम अब भी मना किया, पर अंत में वही हुआ जो हर बार होता था। किसी तरह दोनों विक्रम को मनाए और जंगल की तरफ बढ़ गए। शाम ढल चुकी थी। जंगल में पहुंचते ही अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी थी। पेड़ों की टहनियों के टूटने और किसी के चलने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो सभी एकदम चौकन्ना होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी वो तीनों उस मचान से आगे निकले ही थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज सुनाई दिया। वो तीनों हड़बड़ाकर उस आवाज की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विक्रम डरते हुए बोला, भाई अब भी वक्त है, मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा, यहां से वापस चलते हैं। लेकिन अजय और रोहित उसकी बातों को अनसुना करके उस आवाज की तरफ ही बढ़ने लगे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उन तीनों को ही एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। यह वही गंध थी जिसके बारे में थामू ने बताया था। धीरे धीरे वह गंध और तेज होने लगी, इतनी तेज कि अजय जोर जोर से खांसने लगा। उसका पैर एक जंगली पौधे पर पड़ा हुआ था और उसका गंध सीधा उसके नाक में घुसा था। उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल के दूसरी तरफ भागने लगा। रोहित और विक्रम उसे आवाज देते रह गए, लेकिन पल भर में ही वो जंगल के दूसरी तरफ कहीं गायब हो गया। उसकी आवाज भी यानी खत्म हो गई थी। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन वो दोनों हाथ पे हाथ धरे वहां रुक नहीं सकते थे। इसलिए जिधर अजय भागा था वो दोनों भी आवाज देते हुए आगे बढ़ने लगे। वो दोनों वहां से भी आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्होंने कल जैसा ही दृश्य देखा। पीछे पेड़ पर एक काला साया जैसा झूल रहा था, लेकिन अब की बार उन्होंने उस चीज को काफी नजदीक से देखा था। उसकी आंखें एकदम सफेद सी, दांत निकले हुए और बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। यह देखते ही विक्रम और रोहित की चीख निकल गई। वो दोनों चीखते चिल्लाते हुए आगे भागने लगे।
और उन्हें पीछे से खौफनाक हंसी और चीखने की आवाज सुनाई दिया। दोनों भागते भागते जंगल की दूसरी तरफ काफी आगे निकल गए थे, लेकिन अब भी अजय का कोई अता पता नहीं चला। थक हार कर वो दोनों जंगल से बाहर निकलकर गांव वालों की मदद लेने की सोचे, क्योंकि अब रात होने को आ गई थी और ऐसे समय में जंगली जानवर का भी खतरा अलग था। इसलिए वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दिया। आवाज सुनते ही उन्हें लगा शायद ये आवाज अजय की ही है। दोनों भागते हुए उस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि अजय बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी सांसें उल्टी चल रही थी और बीच बीच में वह घर घर करके कराहते जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उन्हें तुरंत उसे अपने कंधे के सहारे उठाया और जंगल से बाहर निकलने लगे। इधर पीछे से उन्हें अजीब अजीब उसी तरह के गुर्राने और हंसने की आवाजें लगातार सुनाई देते जा रही थी। विक्रम और रोहित जैसे तैसे करके अजय के साथ उस जंगल से निकलने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इधर अजय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कमरे पर पहुंचने के बाद उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन उसे होश नहीं आया। अब उन दोनों को गांव के लोगों से सहायता लेने के अलावा और कोई चारा नहीं सूझा। अजय को वहीं पर रखकर दोनों मुखिया जी के घर गए और दरवाजे पर जोर जोर से आवाज देने लगे। आवाज सुनकर मुखिया जी और उनके साथ साथ उनके घर वाले भी निकले। उनके निकलते से ही दोनों हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाने लगे कि उनके दोस्त को बचा लीजिए। उनकी बात सुनकर उन्होंने दोनों से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? अब दोनों और ज्यादा बात को छुपा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी बात पूरी घटना का बयान मुखिया जी के सामने कर दिया। यह सुनते ही मुखिया जी आग बबूला हो गए और गरजते हुए बोले, तुम्हें मना किया गया था ना रात के समय जंगल में नहीं जाने के लिए, इसलिए तुम शहरी लोगों को हम गांव में रहने की अनुमति नहीं देते। वो दोनों चुपचाप मुखिया जी की डांट सुन रहे थे। कुछ देर गुस्सा करने के बाद वो शांत हुए और थामू को उसके घर से बुलवा लिया। उसके आते से ही मुखिया जी ने कहा, सुनो तुम इन दोनों के साथ जाओ, हम गांव से हकीम जी को बुलाकर लाते हैं। और इतना कहकर मुखिया जी कुछ लोगों के साथ गांव की दूसरी तरफ बढ़ गए। इधर थामू उन दोनों को लेकर उस पुरानी मकान में आ गया। कुछ ही देर में मुखिया जी भी हकीम को लेकर आ गए। हकीम अजय की हालत देखकर ही बता दिए थे कि ये उस जादूगर के जहर का ही असर है। जादूगर के जहर का नाम सुनते ही आसपास के सभी लोग खुसफुसाने लगे। खैर हकीम जी ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ कुछ देर में वो असमीज भाषा में कुछ मंत्र भी बुदबुदाते जा रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद अजय की आंखें खुली और वो हड़बड़ाते हुए उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने देखा, मैंने उस जादूगर को देखा, मार डालेगा मुझे। उसे ऐसा करता देख आसपास के लोग उसे संभाले और समझाते हुए बोले, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो गया है। उस रात सबके जाने के बाद मुखिया जी ने धामू को उन तीनों के साथ ही रहने को कहा और अगले सुबह शहर लौट जाने की भी चेतावनी देते हुए वहां से चले गए। वो हादसा तीनों दोस्तों को अच्छे से समझा दिया था कि रहस्यों को रहस्य में ही रखने में सबकी भलाई होती है। अगर उन रहस्यों के साथ छेड़खानी की जाए तो जो उनके साथ हुआ वही होगा। खैर अगली सुबह तीनों वहां से वापस दिल्ली के लिए लौट आए। हालांकि अजय के साथ जो हुआ उसने विक्रम और रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब उस जादूगर को उन दोनों ने अपनी तरफ देखा था तो अजय ने किसको देखा था? क्या जादूगर का अभिशाप पूरे जंगल में सचमुच में मौजूद था?
कुछ साल बाद अजय एक प्रसिद्ध वन्य जीव फोटोग्राफर बन गया, लेकिन उसने जतिंगा का रहस्य कभी नहीं भूला। कभी कभी रात में उसे जंगल में भूकंप की आवाजें और कांव वालों की चेतावनी देने वाली आवाजें सुनाई देती थी। कई सालों तक वो हादसा उन तीनों के ही दिमाग को हिलाता रहा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई भूतिया या रहस्यमय घटना घटी हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी बेझिझक शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी अपने श्रोताओं के साथ शेयर करने में हमें काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब उन सदस्यों का नाम लेने जिनका नाम हमने अभी तक नहीं लिया। चंद्र प्रभा जी, आपका कमेंट्स हमने पढ़ा, काफ़ी खुशी हुई। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। विकास भैया, काफ़ी दिनों बाद आपका कमेंट्स पढ़ के हमें काफ़ी खुशी हुई कि आप अब भी कहानी सुनते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हुए हैं, दिल से शुक्रिया आपका। दानिश सिद्दीकी जी, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है, हमेशा सपोर्ट और प्यार बरकरार रखिएगा। लिविंग वर्ल्ड जी, आपका नाम शो नहीं हो रहा, अगली कहानी में आप अपने नाम के साथ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सचिन तिवारी जी, आपका हर कमेंट्स पढ़ के हमें काफ़ी खुशी मिलती है, तहे दिल से शुक्रिया आपका। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हर कहानी में सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, अगली कहानी में जिनका भी नाम रह गया है जरूर लेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं।